नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सवाल देश में बोलने लिखने और अपनी बात रखने की आजादी पर अटका है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने देशवासियों को लिखे अपने खत में कहा है कि आज के हालात में बोलने लिखने अपनी बात खुलकर कहने की आजादी नहीं है देश में। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिसको सरकार नियंत्रित करती है, इस पर जवाब रविशंकर प्रसाद का आया है। आइए अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं सोनिया गांधी ने इस चिट्ठी के जरिए देशवासियों से क्या कहा है और क्या वाकई आज खतरा है, आज चाहिए सबको बोलने लिखने की आजादी। लोकतंत्र की सच्ची ताकत हमारी चुनी हुई स्थानीय इकाइयों में है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। आजादी की 74वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया, कोरोना काल में भारत की उपलब्धियां बताई और दुनिया को बताया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हर एक कदम की चर्चा की। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है और जल्दी से डिलिमिटेशन का काम पूरा होते ही भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के एमएलए हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन के चंद घंटे बाद कांग्रेस ने सरकार से सवाल दागे। आजादी के जश्न के बीच सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा, हमने अपने 74 वर्षों की स्वाधीनता में अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों को समय समय पर परीक्षा की कसौटी पर परखा है और उसे निरंतर परिपक्व किया है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संविधान मूल्यों व स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। भारतीय लोकतंत्र के लिए ये भी परीक्षा की घड़ी है। प्रधानमंत्री ने लाल किले प्राचीर से देश के दुश्मनों को भी आगाह किया और गलवान घाटी में हमारे जवानों की वीरता की कहानी देशवासियों को सुनाई। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। वीर जवानों को कांग्रेस ने भी याद किया, लेकिन सरकार पर उंगलियां उठाकर सोनिया गांधी ने कहा, आज कर्नल संतोष बाबू और हमारे 20 जवानों की गलवान वैली में वीरगति को भी 60 दिन बीत चुके हैं। मैं उनको भी याद कर उनकी वीरता को नमन करती हूं और सरकार से आग्रह करती हूं कि उनकी वीरता का स्मरण करे व उचित सम्मान दे। भारत माँ की सरजमी की रक्षा व चीनी घुसपैठ को विफल करना उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। चीन को लेकर राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री को छोड़कर हर किसी को सेना के शौर्य और क्षमता पर पूरा भरोसा है। पीएम की कायरता ने चीन को हमारी जमीन में आने की इजाजत दी। पीएम के झूठ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो जमीन चीन के पास ही रहे। कल प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ, उसमें उन्होंने जो सम्मान देश की सेना, देश की बहादुर जवानों के लिए उन्होंने लाल किले के मंच से जो सम्मान जताया था, उसके बाद भी अगर कोई इस प्रकार का टिप्पणी कर रहा हो, उस टिप्पणी को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, देश को ही तय करना है। प्रधानमंत्री जी का चाइना को लेकर जो स्टैंड है, उसने पूरे देश के जिसको खास आर्म फोर्स का एक तरह से उन्होंने हौसला कमजोर किया है। जब पूरा देश आजादी की 74वीं सालगिरह मना रहा था, कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए आजादी का मतलब बताने और आजादी के मायने समझाने में व्यस्त रही। सोनिया गांधी ने अपने संदेश में आगे कहा,
हर देशवासी को अंतरात्मा में झांक कर यह सोचने की आवश्यकता है कि आज़ादी के क्या मायने हैं। क्या आज देश में लिखने, बोलने, सवाल पूछने, असहमत होने, विचार रखने, जवाबदेही मांगने की आज़ादी है? अब कांग्रेस को कौन समझाए कि अगर आज़ादी नहीं होती तो ये सवाल पूछने की भी आज़ादी नहीं होती कि आज आज़ादी के मायने क्या है। आज तक ब्यूरो। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शुभ्रांशु राय, कांग्रेस पार्टी के समर्थक के तौर पर इस बहस में शामिल होंगे। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इस चर्चा में आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ हैं, और वाजपेयी साहब, अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता भी जुड़ रहे हैं। आज पैनल में हमने कोशिश की है कि हर तरह की जो बातचीत है, विचारधारा है, कम से कम आए, खुलकर लोग बोले। और डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे डरे नहीं, सुना है आपसे बहुत बोलने में लोगों को डर लग रहा है। इस देश में लोगों के बोलने, अपनी बात कहने, सवाल पूछने की आजादी पर खतरा है, यह आरोप सोनिया गांधी लगा रही है। क्यों छीन रहे हैं ये आजादी आप देश से? देखिए, 2014 से ही ये डरे हुए हैं, 2014 से ही ये लोग दुखी हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि इन्हीं के परिवार का राज चलता रहे। ये चाहते थे कि इनकी जो सुपुत्र हैं, काबिल सुपुत्र, बहुत बड़े एसेट सुपुत्र, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए, वो नहीं हो पाया है, इसलिए उनको 2014 से। देखिए, और क्या बोलना चाहते हैं, मतलब अभी थोड़े दिन पहले मैंने दिग्विजय सिंह जी को बोलते हुए सुना, ट्वीट करते हुए सुना कि ये जो मंदिर बना, मंदिर के समय का अमूर्त होने के कारण यूपी में एक मंत्री का देहांत हो गया कोरोना के कारण, अमित शाह जी को अभिशाप लग गया, उनको भी कोरोना हो गया, येदुरप्पा जी को भी अभिशाप लग गया, उनको भी कोरोना हो गया। और मतलब और क्या बोलना चाहते हैं। बेंगलुरु में अभी चार दिन पहले जो रायट हुआ, घर जला दिए गए, एक दलित का घर जला दिया गया, मतलब और क्या करना चाहते हैं, मतलब और क्या चाकू छुरी लेके हमारे गर्दन पे चलाना चाहते हैं। आप बताइए, आज जो सोनिया गांधी जी ने ये वक्तव्य कल जारी किया है, ये तो आजादी है, वो बोल के जारी कर रही है। बेटा उनके जो हैं, सुपुत्र, बहुत बड़े एसेट जो हैं, वो रोज ट्वीट कर करके जारी कर रहे हैं। और इधर आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कह दिया, उसके बाद और क्या बोलना है, मतलब आर्मी के चीफ के सर के ऊपर बैठ के तांडव रचना है क्या? इन्होंने देश के इलेक्शन कमीशन को कहा बिका हुआ इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट तक को गाली दे दी, और तो और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो कहा यह फर्जिकल स्ट्राइक है, यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, यह खून की दलाली है। और क्या बोलने का फ्रीडम चाहिए, मतलब क्या चाहते हैं बोलने के फ्रीडम के नाम पर? ये क्या हम लोगों को मारना चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं शुभ्रांश राय जी? और मान लीजिए आप डरे हुए भी हैं और आप बोल नहीं पा रहे हैं कुछ, तो आज बोलिए ना सर, हिम्मत करके। अगर ये आजादी आपको दे दी जाए कि क्या क्या बोलना है सब बोलिए, क्या क्या बोलना चाहते हैं आज बोलिए, क्या क्या बोलने से रोकती है आपको बीजेपी? अंजना जी, सबसे बड़ी बात एक, मैं डरा नहीं हुआ हूँ, ठीक है, डरे मेरे दुश्मन, तो मैं डरा नहीं हुआ, पहले तो साफ साफ बात एक क्लियर मैं आपको कहूँ। दूसरी दो बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल सत्य है कि आज कौन डरा हुआ है, सुन लीजिए अब सी बात है, बिल्कुल आपका सब्जेक्ट अच्छा है कि क्या वाकई आजादी आज मिली है, आज लोगों की जुबान पे ताला लग रहा है। तीन चार ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूँ। सिर्फ संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, ने एक सवाल पूछा था अपने ट्वीट के माध्यम से कि राष्ट्रपति जी क्यों नहीं गए थे, देश के प्रथम नागरिक क्यों नहीं गए थे भूमि पूजन में, नतीजा एक सांसद के ऊपर FIR दर्ज हो गया, पहली बात। अब ये मैं नहीं पूछूंगा कि क्यों दर्ज हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई गिनती के नाम मेरे पास भी हैं, जिन पत्रकारों के ऊपर भी सरकार से सवाल करने के कारण, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज होती है, बुला के मारा जाता है, ये भी एक बोलने की आजादी में ही आता है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात और है, बिल्कुल आपने सत्य कहा, हम 70 साल, 75 साल और 72 सालों में नहीं जाते हैं, लेकिन ये तो बात सच है ना, अभिव्यक्ति की आजादी पे भी आ जाते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने, जो आदमी जब तक डेजिग्नेटेड कुर्सी पे बैठा होता है ना, तब तक उसके लिए सारे कंटेंप्ट और सारे रूल रेगुलेशन लॉ होते हैं। जब सैटरडे संडे वीकेंड के दिन आप भी कहीं घूम रहे होते हो, मैंने पढ़ा ट्विटर और फेसबुक पे, उन्होंने सिर्फ एक सवाल और एक फोटो दिया था, क्या यही कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट है? और वही दूसरी तरफ एक प्राइम टाइम टेलीविजन का एक प्रवक्ता या एक न्यूज एंकर किसी पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति के ऊपर पता नहीं कितने सवाल जवाब पूछता है, कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट उनको कहता है कि नहीं, ये तो व्यक्ति की आजादी है, ये उनके पूछने का अधिकार है। तो बताइए डरने की और दूसरी परिभाषा क्या होती है? आज बोलते हुए लोगों को बिल्कुल डर लग रहा है साहब, आज लोग बात करना
रोजगार की बात पूछ, मैडम प्लीज मैं बोल रहा अपनी बात, रोजगार की बात आप कर दीजिए तो आपको देश विरोधी बना दिया जाएगा। शुभ्रांशी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आपने ठीक है वाजिब बातें उठाई कि यहां यहां पर आपको लगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि अगर ये आजादी आपके पास हो तो कौन सी एक ऐसी बात है जो आप कहना चाह रहे थे और इनकी आजादी छीनने की वजह से नहीं कह पा रहे थे? कुछ कह के सुनाइए ना सर, तब भरोसा होना कि आप में भी वो धार है कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सरकार के दबाव की वजह से वो बात सामने नहीं आ रही है। कौन सी बात दब गई है बताइए, एक बात बताइए जो दब गई हो, सामने ही ना आई हो इस सरकार की वजह से। पिछले एक महीनों से उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, वजह चाहे कुछ भी हो, लगातार परशुराम समाज का उल्लंघन हो रहा है। कितनी बार लोगों ने आवाज आपको हत्या में भी जात दिखाई दे रही है? मुख्यमंत्री ने एक बार भी जांच का हवाला दिया? फिर से जो हत्या में भी जात दिखाई दे रही है वो जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की, उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, गिनती बड़ी लंबी है मैडम। ठीक है, एक सेकंड पता है यही दिक्कत है शुभ्रांश राय साहब, आपको ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं हो रही है, जबकि कितने शोज मैंने ही किए। एक सेकंड सर, लगातार मत बोलिए, देखिए आप भी बाहर से कर रहे हैं, आज मैं भी स्टूडियो नहीं बाहर से कर रही हूं, चीखिएगा तो फिर देखिए दिक्कत होती है। आप लोग भी एक नियम को मानिए ताकि हर कोई जो देखता है प्राइम टाइम डिबेट उसको जरा समझ में आए, सुध ले पाए कि क्या हो रहा है। अपनी अपनी बात कहिए, अपनी बारी में कहिए, और ये समझिए कि हत्या में भी जाति मत खोजिए। कहिए यूपी में कानून व्यवस्था खराब है, इस पर खुलकर चर्चा नहीं हो रही है। कितने टीवी डिबेट्स तो हम ही ने किए हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं तमाम मेहमानों के पास आना चाहती हूं, चूंकि आप दोनों प्राइम प्लेयर्स हैं। जल्दी से डॉक्टर संबित पात्रा इसका जवाब कि देखिए, ये सवाल बार, तो जरा फॉर्मुलेट कर दूं क्योंकि उनका जवाब बहुत लंबा था। उनका ये आरोप है कि जितनी सर्वोच्च संस्थाएं हैं देश में, जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं वो सब आपके नियंत्रण में है, कोई अगर आपके खिलाफ बोल दे तो उसको आप लोग देशद्रोही करके उसको ऐसे रन डाउन करते हैं कि लोग बोलने में आज डरते हैं बीजेपी के खिलाफ। संबित जी, अंजना जी मुझे सिर्फ 20 सेकंड दीजिए, ज्यादा समय नहीं चाहिए। और अंजना जी मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस पैनल में मात्र आप अकेली महिला है और आप मेरी बहन की तरह हैं। जो मैं कहूंगा आप उसे अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मैं एक शब्द का प्रयोग करने वाला हूं जो उचित नहीं है। मगर अभी चंद दिनों पहले मुनव्वर राणा, जिनको कि पूरा देश बहुत बड़ा शायर मानता है, बहुत बड़ा कवि मानता है, मुनव्वर राणा जी ने कांग्रेस के लिए कहा, मतलब कांग्रेस के कहने पर कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है मंदिर के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ये फैसला दिया है क्योंकि सीजेआई तवायफ से भी कम दाम में बिके हुए सीजेआई थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तवायफ है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स है उन्होंने तवायफ का। उसके बाद इनको और ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। नंबर टू, प्रशांत भूषण जी को नरेंद्र मोदी जी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस नहीं भेजा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, उसके बाद भी यह कहा जा रहा है कि इनको फ्रीडम चाहिए। तीसरी बात, और बहुत बड़े आक्रोश के साथ मैं कहूंगा कि देखिए, इन्होंने कहा ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। मैं यहां बैठा हूं, मैं आज अपना जनेऊ निकाल के जनेऊ का कसम खा के कहता हूं यहां पर कि नवीन, एक दलित लड़का है, नवीन है बेंगलुरु में, उसके गर्दन के लिए आज मांगा गया है 51 लाख रुपए की इनाम को डिक्लेयर किया गया है उत्तर प्रदेश में, उसको हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैं अपने जनेऊ को पकड़ के कहता हूं कि हमारे होते हुए कोई दलित के घर में आक्रमण कर दे ऐसा हम संविधान के रूप में होने नहीं देंगे। हिम्मत है तो आप अपने जनेऊ को धारण करके बताइए कि नवीन के साथ जो किया गया, और आप जो मीम और भीम के पाठ को पढ़ाते हैं, आप अपने जनेऊ की कसम खाइए। मैं जनेऊ की कसम खा के कहता हूं कि जिस प्रकार से दलितों के ऊपर बेंगलुरु में अटैक किया गया है, मैं जनेऊ की कसम खाता हूं कि मैं संविधान के साथ खड़ा होऊंगा और मैं नवीन के सर को कटने नहीं दूंगा। मैं कहता हूं आप जनेऊ, मैं कहता हूं कहां है राहुल गांधी? राहुल गांधी अपने जनेऊ को दिखाए आज और निंदा करे। एक सेकंड सर, मैं बीच में नहीं चिल्लाया था। अंजना जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैं कंप्लीट कर लूं, फिर ये कहेंगे। मैंने इनके बीच में बिल्कुल एक शब्द नहीं कहा अंजना जी, मैं नहीं सुब्रत जी, बारी बारी से। और जरा मुझे देखिए अंजना जी, मैंने अपने कौन बोल रहा है बीच में ताकि मैं उसे रोक सकूं। देखिए प्लीज, एक रुकिए प्रभु, अभी सबको बोलना है, ठीक है? चूंकि आपने एक आरोप लगाया था, मैंने जवाब ले लिया, आपने भी संबित जी अपनी बात कह दी है। मैं अन्य मेहमान के पास, अनुराग भदौरिया साहब, मैं लौटूंगी सर, सबकी बारी आएगी। अनुराग भदौरिया जी, यही तो खेल है ना,
अगर सवाल पूछिए कि एक बात आपको है बोलने की, बोलिए आपको पूरी आजादी है बोलिए, तो जाति कार्ड खेल जाते हैं, वो ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं, ये दलित दलित कर रहे हैं, आप भी अपने तरीके से किसी ना किसी वोट बैंक को खोज ही लीजिएगा। सवाल इससे बड़ा है, सवाल इससे बड़ा है, क्या डर और भय का ये विक्टिम कार्ड है या फिर वाकई खौफ है? मिस्टर भदौरिया, अंजना जी, सवाल उससे भी ज्यादा बड़ा है। अभी संबित जी इसी डिबेट में कह रहे थे, अंजना जी मेरी बहन की तरह है, इस देश में बहुत सी बेटियां हैं वो दलित भी हैं, और उनके साथ क्या हुआ, लखीमपुर की बेटी के साथ 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उसकी आंख फोड़ दी गई और उसकी हत्या कर दी गई, तब कहां थे संबित भाई आप, तब कहां थे आप, इतना जो एक्टिंग कर रहे हैं आप, निकाल के जनेऊ दिखा रहे हैं, तब कहां था आपका जनेऊ जब वो मारी गई बच्ची, कहां था आपका जनेऊ जब हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कहां था आपका जनेऊ जो आप बार बार निकाल के दिखा रहे हो, जहां पे मेरठ में मां बेटी के साथ अन्याय हुआ, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था की हालत पता है क्या है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जंगल राज, अपराधी खुलेआम है, हर रोज सुबह एक घटना हो जाती है, हर बहन के साथ एक अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, चाहे कासगंज की घटना हो, चाहे हापुड़ की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, और आप यहाँ बता के टीवी में आपको बोलने में डर तो नहीं लगता है ना? सुनिए जी, सुनिए सुनिए भदौरिया साहब, भदौरिया साहब देखिए, यूपी के कानून व्यवस्था पर हम लोग लगातार शोज कर रहे हैं और ये सवाल है भदौरिया जी, बारी बारी से, बारी बारी से प्रभु, बारी बारी से सुनिए, मैं ये कह रही थी कि हम लोग तो लगातार यूपी में शोज कर रहे हैं और आज तक पे हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था की हालत यूपी में खराब है, क्या आपको भी लगता है सोनिया गांधी जो कह रही है उसमें दम है, क्या अखिलेश यादव को आपको बोलने की आजादी नहीं है? अनुराग जी, जो कंट्रीब्यूट करते थे सरकार में, अब उनकी इनकम क्या हो गई है, 500-2000 रुपए जो आप देते हो, आप उनको सब्सिडी पे जिंदा रखना चाहते हो, आप उनको पैरों पे खड़ा नहीं करना चाहते। और मैं आपसे एक बात और पूछ दूं, क्या हालत है महंगाई की आज पूरे देश के अंदर, आप आजादी की बात करते हैं, अनुराग जी सवाल तो सुन लीजिए, ऑडियो कट गया क्या इनका, बेरोजगारी की हालत इतनी होगी कि आपने डर के मारे आंकड़े देने बंद कर दिए, पात्रा जी आप इतना डर गए हो, डर के मारे आंकड़े देना बंद कर दिए। और आपको एक बात और बता दूं, आपको एक श्लोक सुना देता हूं, आप याद रखिएगा, ये मैं डरा हुआ हूं, चलिए, तो नमामि शमशान निर्माण रूपम विभम व्यापकम परम प्रभेद स्वरूपम निदम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिराकाश महाकाश भाष्यम भजे हम निराला। इसको अच्छे से तो बोलिए, गलत बोल रहे हैं, कम से कम सही तो बोलिए, संसार पारम न तो हम, पारम न तो हम, ये रामचंद्र जी ने जब वो जा रहे थे लंका पे आक्रमण करने जा रहे थे, उन्होंने किसकी कल्पना की आराधना की थी, महादेव की आराधना की थी, वो भी अपने आप को इंसान समझते थे, आप भी इंसान समझिए, आप भगवान मत समझिए अपने आप को, आपकी बात अंजना जी देखिए किसके बात में अहंकार है, कौन चिल्लाए जा रहा है, तब से सब दुनिया देख रही है, उन्होंने तो सबरी के बेर भी झूठे खाए थे, झूठे सबरी के बेर खाए थे, आपके आपकी पार्टी में अनुराग जी वो ठीक है, अनुराग जी का ऑडियो लगता है कट गया, आवाज नीची करनी पड़ेगी, अनुराग जी को आवाज जा रही है, गिर मत जाना सर, मोबाइल टूट जाएगा सर, आराम से थोड़ा स्काइप से पीछे हो जाइए अनुराग जी, अनुराग जी आराम से प्लीज, अनुराग जी अपने अपने बारे में, संबित जी दो लाइन का जवाब, मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगी, ठीक है। देखिए अंजना जी, मैं इनके डिबेट्स को हर दिन देख रहा हूँ, आप अभी व्यवहार भी देख रहे हैं, देखिए बोलने की आजादी छीनी नहीं है, ये सुनने की आजादी छीन गई है, ये सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप इनको सुनाते रहिए, समझाते रहिए, बोलते रहिए, सुनेंगे ही नहीं, कान के अंदर रुई लगा लिया है, इसकी गलती हमारी नहीं अंजना जी, आप देखिए ये बंद हुए हैं अभी तक, ये अभी तक बंद नहीं हुए हैं, ये अभी तक लगातार बोले जा रहे हैं और चाहते हैं कि और आजादी दे दें, और आजादी दे दें तो टीवी से बाहर आके चिल्लाएंगे, मतलब क्या चाहते हैं, क्या है? देखिए FIR की बात हुई अंजना जी, आप जानते हैं मेरे खिलाफ कितने FIR हुए हैं पूरे देश में, लगभग 150 FIR मेरे खिलाफ कांग्रेस ने कराया हुआ है, आप पत्रकारों के खिलाफ कितने FIR कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहे हैं आप भी जानते हैं, ये कौन सी FIR की बात कर रहे हैं, इसलिए देखिए ये सुन रहे हैं आपके सामने बोल, देखिए कितनी आजादी लेंगे, देखिए ये सारी आजादी एक दिन में खत्म हो जाएगी, नॉन स्टॉप 6-7 बजे तक बोलते रहेंगे, ऐसा होता है क्या? आप पूछिए आपके मन में क्या सवाल है जिसको लेकर आप रुष्ट साहब शांत हो जाइए, अंजना जी देखिए देखिए जरा कैसे कैसे बोलू, कैसे बोलू बताइए, अनुराग आप 10 सेकंड बोलने देते हैं उसके ऊपर ये चिल्लाते रहते हैं, बताइए मतलब, ठीक है अरविंद वाजपेयी जी बोलने की आजादी नहीं है देश में, ये बोल तो रहे हैं रामविलास पासवान, बिहार के लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्या उनको भी डर लगता है? देखिए अंजना जी, सोनिया गांधी ने जो ट्वीट किया है वो एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि कोई मैच्योरिटी का संदेश जा रहा है उससे,
देखिए राजनीति के लिए अगर आप खाली ट्वीट करेंगे तो वो चलेगा नहीं। देखिए किसने इमरजेंसी लगाई थी बताइए, संविधान का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोर्ट फंक्शन कर रहे हैं, कोरोना काल में भी सुप्रीम कोर्ट और बाकायदा सारे कोर्ट फंक्शन कर रहे हैं, रात को 12 बजे आप दरवाजा खटखटाइए तो भी आपको न्याय मिलेगा। मतलब किसने, ये कहां से बात आ गई कि डेमोक्रेसी पे खतरा है, प्रजातंत्र पे खतरा है, ये कैसे किस, मतलब एक एग्जांपल तो देंगे ना, अनुराग जी ने बोला और उन्होंने बोला तो देखिए अरविंद जी क्या कहा। अरविंद जी एक सवाल सुनिए। देखिए जो आरोप है वो, इस पर आशुतोष जी भी बोलेंगे, मैं उनके पास जाऊंगी, जो आरोप है वो ये है कि देश में विभाजन हुआ है सोच और विचारधारा के आधार पर। या तो आप एक्सट्रीमली राइट विंग हैं जिसमें ये माना जाता है कि एक अलग नाम भी दिया गया कि आप भक्त हैं, मोदी के ही चाहने वाले हैं और आप सब कुछ सरकार जो भी करे उसकी वाहवाही कीजिए। एक दूसरा पक्ष है जो सवाल खड़े करता है, उसको पूरा रंग दिया गया है कि ये देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ हैं, और आरोप ये है कि देश की जो संस्थाएं हैं वो बीच में नहीं खड़ी हैं तटस्थ, उन पर भी दबाव और प्रभाव है राइट विंग का, ये आरोप है। इसको समझिए, इस पर जवाब दीजिए। संविधान के हिसाब से चलेंगी, रूल ऑफ द लॉ के हिसाब से चलेंगी, चाहे वो मोदी की सरकार है चाहे मनमोहन सिंह की सरकार थी। देखिए पार्टी और सरकार को अलग करके देखना होगा आपको, पार्टी की आइडियोलॉजी हो सकती है, मैं मानता हूं कि पार्टियों की आइडियोलॉजी होगी लेकिन सरकार की आइडियोलॉजी नहीं होगी। सरकार जो बिल्कुल कानून के और संविधान के हिसाब से काम करेगी। क्या देश में इमरजेंसी लगा दी? क्या देश में किसी राज्य पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया? अगर इनका इतिहास देखेंगे तो 76 बार राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के उसमें लगा, हमने तो 6 साल में एक पे भी नहीं लगाया किसी पे, बता दीजिए आप अगर किसी पे लगाया। देखिए देशद्रोह का मुकदमा कितने लोगों पे 6 साल में दर्ज हुआ है, अगर आंकड़े आप देखेंगी तो मुश्किल से 200 लोगों पे हुआ होगा, और 200 लोगों पे भी किस पे हुआ होगा, जिन्होंने अनाप शनाप बातें करी होंगी और वो भी सोशल मीडिया पे करी होंगी या अखबार पे करी होंगी, और ये कानून पहले से अवेलेबल है, उसी कानून के तहत कार्रवाई होती है। देखिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चोर कहा, क्या कहा हमने, सरकार ने कोई एक्शन लिया, सरकार ने कोई एफआईआर ले ली? सरकार सिर्फ कार्रवाई करती है करप्शन के खिलाफ, सरकार कार्रवाई करती है अगर वो कानून सम्मत कार्य नहीं करेगा। देखिए इसको इस तरीके से नहीं लेंगे, इनको तो पूरी फ्रीडम है, चाइना पे सवाल पूछो, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछो, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या किसी ने इंटरफेयर किया? बिल्कुल नहीं। राम मंदिर पे कितना उकसाया गया, क्या सरकार ने इंटरफेयर किया? जबकि सरकार संविधान के हिसाब से कर सकती थी लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो किस चीज का डर है? हम अब देखिए ये ढकोसलेबाजी है। हम अभी आपको ठीक है हम आपको ठीक है, हाँ ठीक है, मैं एक सेकंड आ रही हूँ सर, हम दिखाएंगे ये भी कि राहुल गांधी ने अभी क्या लिखा है जिस पर केंद्रीय मंत्री रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सोशल मीडिया अब सरकार के नियंत्रण में है, सरकार चला रही है फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स। लेकिन इससे पहले कि वो सब हम दिखाएं आपको, आशुतोष जी से कमेंट लेते हैं। आशुतोष जी आप तो हमेशा से ये कहते रहे हो, और न जाने कितनी बहस इस पर हम दोनों के बीच में ही हो गई है कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है देश में, लोगों को सवाल पूछने में बोलने में डर लग रहा है, तो वही सवाल है आपसे कि ये किसका डर है? इसको आप अगर सबूत के तौर पर आपसे पूछा जाए तो एक वो इंसिडेंस जिसको आप बता सके कि इस वजह से ये अभिव्यक्ति की आजादी छिन गई है, और अगर ये आजादी आपको दे दी जाए तो कौन सी वो एक बात है जो आप बोलना चाहेंगे? अंजना जी मेरी बात का पहले तो बुरा मत मानिएगा, जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बुरी लगेगी। बुरी इसलिए लगेगी कि आज की तारीख में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है उनके ओनर्स डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए संपादक डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए एंकर्स डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा है, किसी को अपनी कंपनी बंद होने का खतरा है, किसी को अपनी नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा है। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, और वो हिम्मत से बोलते हैं, कब तक बोलेंगे भगवान। इसी देश के अंदर एक टीवी चैनल ने सिर्फ न्यूट्रल पोजिशन रखने की कोशिश की, उस चैनल को बर्बाद करने में किसी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। विनोद दुआ जैसे आदमी के खिलाफ जिस तरीके से बर्ताव किया गया, जिस तरीके से व्यवहार किया, वो सबको मालूम है। जिन जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया वो सबको मालूम है। तो आपको इलेक्शन कमीशन में अगर लवासा साहब एक सवाल पूछ देते हैं तो उनके खानदान के ऊपर सारे चार्जेस हो जाते हैं, सब के करने लगता है। सब कुछ
इस देश के अंदर हो रहा है, और अभी मुझे जो चीज स्वयं सिद्ध है उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, किसी से पूछिए, आप सड़क चलते पूछिएगा, आपको लोग बता देंगे आज की मीडिया की हालत क्या है और मीडिया किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के बैठकर गुणगान करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, कब तक बोलेंगे भगवान जाने। ये जो वाजपेयी जी अभी कह रहे थे ना कि इमरजेंसी, ये जो तमाम मीडिया हाउसेस की आप बात कर रहे हैं ये आपके कल्पना के पंख हैं या आपके पास इसका प्रमाण है? ए दूसरी बात, आप जो ये हमेशा भय डर की बात करते हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्या? क्योंकि जैसा मुझे याद है, जब आप मीडिया में थे तब भी एक चैनल में बहुत लोगों की नौकरी गई थी, तब तो किसी संपादक की हमने आवाज नहीं सुनी थी उनके हक में। ये सवाल आज क्यों ना पूछा जाए कि उस वक्त के तमाम संपादक क्यों चुप रहे थे? मुझे लगता है कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे, ये सवाल तो आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए था कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे खुद अपने आप से पूछना चाहिए था। मैं आज भी सुनना चाहता हूं कि ऐसे बहुत बड़े, क्योंकि आप वहीं पर थे जब आप मीडिया में थे, तब का सवाल है। मुझे तो सुन लेने दीजिए ना, आपने मुझे बुलाया तो ये जब आप मीडिया में थे, उस चैनल में थे, तभी का सवाल है। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, अब आप व्यक्तिगत हो गई, निजी तौर पर मैंने तो आप पे कोई निजी आरोप नहीं लगाया और मैं ना आपके ऊपर निजी आरोप लगाता हूँ, क्योंकि मैं आप भी व्यक्तिगत ही होते हैं हर बार। मैंने आप सवाल ये है कि आप सवाल से भी नहीं भाग सकते ना सर। सवाल ये है कि जब आप बिल्कुल आप पूरे मीडिया को रंग दे रहे हैं और आपको लग रहा है आप सवाल आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप आज तक पर बैठकर तमाम मीडिया चैनल्स कह रहे हैं तो दुनिया समझ नहीं रही है कि क्या बोल रहे हैं आप। अंजना जी आशुतोष जी, आप भी तो सवाल से भाग रहे हैं। एक सीधा सवाल किया सर आपसे और आप सवाल से भागने लगे। एक सवाल मुझे बोलने भी नहीं दे रही है। आप तो कम से कम खुलकर बोलिए, कोई भय में मत रहिए। अंजना जी आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ और आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप जो मन में आए जो टिप्पणी करना हो। आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, यही तो बात है आशुतोष जी। आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आप भी उस पर जवाब देने से भाग रहे हैं। अगर आप जवाब दीजिए ना सर मेरे सवाल का। अंजना जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपका काम था वहाँ बैठकर कि आप दोनों पक्षों की बातों को सुने। मैंने भी कुछ साल एंकरिंग की, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपका काम था नौकरी में रहते मीडिया में तब भी आप अपनी आवाज उठाते। आपका काम था कि जब आप नौकरी में थे तो आप आवाज उठाते, लेकिन जब आप बाहर आ गए पॉलिटिशियन बन गए और अपनी जाति बताने लगे विधानसभा चुनावों के लिए, ऐसे हो सकता है सर? नहीं, आपने मीडिया पर सवाल खड़े किए इसलिए मुझे पूछना जरूरी है। आपकी भी ये जिम्मेदारी थी कि जब आप नौकरी में थे तब आप बोलते ना, तब हम मानते कि आप भयहीन हैं। मैं वही, तब हम मानते आप भयहीन हैं। लेकिन अब बाहर से आप सब पर उंगली खड़े करें, आप नौकरी जब कर रहे थे तब आपने आवाज बुलंद नहीं की, तो फिर सवाल पूछा जाएगा ना? आशुतोष जी एक जवाब दे दीजिए। आशुतोष जी ये शुरू आपने किया है, आप मुझे आप पूरे के पूरे मीडिया को रंग देंगे तो कोई तो आपसे सवाल पूछेगा। अरे अंजना, कोई तो आपसे सवाल पूछेगा। आप मुझे बोलने भी नहीं दे रही। देखिए ये अद्भुत स्थिति पैदा हो गई है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। सुन रही और आप मुझे बोलने भी नहीं दे। मेरे सवाल का जवाब, उसके बाद आप कहती है कि इस मीडिया में किसी को बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आशुतोष। मैंने एक कड़वा सच बोल दिया तो देखिए कैसे लोगों को तकलीफ हो जाती। मैं तो कहता हूँ आप लोग बड़े प्रतिभाशाली लोग हो। कड़वा सच या कड़वा झूठ ये आप तय नहीं करेंगे ना। तारीख में काल्पनिक बातों पर नहीं हो सकती। अगर आधार है प्रमाण है तो सामने रखिए। किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। आधार है प्रमाण है तो सामने रखिए। आज आप टीवी पे बैठे हैं, सुन लीजिए मेरी बात। आज आप टीवी पे बैठे हैं, खूब है, और हम लोगों ने सवाल पूछे हैं। ये तो आप है जो सुनते नहीं है। ये तो आप है जो आज तक पर बैठकर अक्सर मोदी की प्रशंसा करते हैं। अपना महिमामंडल आपको दिखता नहीं है। आप सोचते हैं कि आप यहाँ बैठकर अपनी अपनी बातें कह देंगे तो ये गलत है। मुझे अब अगले मेहमान के पास जाना पड़ेगा क्योंकि आप बेबुनियादी आरोप लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और इसकी इजाजत आपको नहीं मिल सकती है। मैंने आपको कहा
आप प्रमाण रखिए सर, और जितना मीडिया हाउसेस को गाली देना है दीजिए, लेकिन यह भी याद रखिए कि जब आप नौकरी में थे तो आपने कितनी आवाज बुलंद की थी, यह सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए। अगर आप हक में आज कोई भी सामने आता है तो आप उसके साथ खड़े होइए, लेकिन प्रमाण तो दीजिएगा ना सर। अगर बैठकर सबको मीडिया को गाली दीजिएगा तो उसकी आजादी नहीं हो सकती। आजादी के साथ एक जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। देखिए, जब आप हर किसी के विश्वास और भरोसे को खत्म कर देंगे तो यह बोलकर सिर्फ एक तरफा बात नहीं हो सकती है सर। माफ कीजिएगा संगीत रागी, आपके पास आते हुए सवाल यह है, संघ का हस्तक्षेप है, संघ की एक सोच है, संघ उस सोच को ज्यादा पुरजोर तरीके से दबाव डालता है। एक एक राइट विंग नैरेटिव पूरे देश में बिल्ड कर दिया गया है, और जो फॉल इन लाइन नहीं करता है वो सभी के सभी देशद्रोही कहलाते हैं इस देश में। यह एक दबाव, चाहे सोशल मीडिया के नैरेटिव के जरिए हो, चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के जरिए हो, यह बनाया जाता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मिस्टर रागी, देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो मीडिया को दबाया नहीं जा सकता है। आज के दिन में सोशल मीडिया इतना डेमोक्रेटाइज्ड हो गया है, इतना प्रोलिफरेशन हो गया है कि मुझे हैरानी हो रही है कि आशुतोष जी ऐसा क्यों बात कह रहे हैं। कई ऐसे जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, कई ऐसे ब्लॉग, कई ऐसे चैनल, यूट्यूब चैनल जिनकी संख्या कम से कम हजारों में है और जिसके अनुयायी कम से कम लाखों, 20 लाख 25 लाख ऐसे हैं, वो रोज प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, रोज विस्मरण करते हैं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती है। आशुतोष जी भी जानते हैं, चूंकि ये आज तक का प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता हूं। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं, वे सारे वामपंथी खेमे के लोग हैं। दूसरी बात, मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, यदि वामपंथ को ये बात कहने का अधिकार है कि दक्षिण पंथ कॉमनल है, उसकी व्याख्या में हम कॉमनल है, तो हमें उसकी व्याख्या करने का ये पूरा अधिकार है कि वो देशद्रोही है। आप हमें कॉमनल का चिपका दें लेवल और हमसे कहें कि हम आपको ये व्याख्या करने का अधिकार है, और मेरी व्याख्या करने का अधिकार कहाँ जाता है? आपके बारे में मूल्यांकन और निष्कर्ष करने का अधिकार मेरा भी है। एक तीसरी बात कहना चाहता हूं, आशुतोष ने बहुत एक ही ब्रश से सारे मीडिया जगत को पेंट कर दिया। मैं एक जानता हूं एक चैनल के, जिसके प्राइम टाइम के एंकर भरी भरी रोज रोज कोई ऐसा दिन नहीं होता है निकाल निकाल करके उसके खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी सारी चीजें करते हैं। एक बात और आशुतोष जी, आप जिस चैनल के एंकर थे, मैनेजिंग एडिटर थे, आपने रिलायंस के खिलाफ कितनी रिपोर्ट फाइल की? क्या आपने कभी ऐसा जज्बा दिखाया जो रिलायंस के खिलाफ एक रिपोर्ट फाइल किया हो? रिलायंस के खिलाफ बाकी लोगों ने बातें की हैं, लेकिन एक हिम्मत कभी नहीं हुआ कि टीवी नाइन का पत्रकार रिलायंस के खिलाफ एक भी स्टोरी फाइल किया हो। इसलिए ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं तो नैतिकता का द्वीप हूं, मैं अलग हूं और बाकी अलग है। सच्चाई ये है, ठीक है, कि आप भी एक वैचारिक खूंटे से बंधे हुए। आशुतोष जी की शिकायत थी कि इसको व्यक्तिगत ना बनाया जाए, आशुतोष जी की शिकायत थी इसको व्यक्तिगत ना बनाया जाए, लेकिन अगर उन्होंने खास तौर पर ऐसा अम्ब्रेला टिप्पणी नहीं की होती तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम एंकर्स पर, तो शायद ये व्यक्तिगत बहस बनती भी नहीं। ठीक है, एक सेकंड संगीत जी आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहस आशुतोष जी पर नहीं है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। बहस बड़ा है, और अगर उन्होंने तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम एंकर्स को एक साथ काले रंग में नहीं रंग दिया होता तो इस तरह की व्यक्तिगत बातें सामने आती भी नहीं। लेकिन एक बार सर, अपने दर्शकों, आ रही हूँ आशुतोष जी, आ रही हूँ। एक सवाल पूछा मैंने आपसे, आपने उसका जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पहले सुना देते हैं दर्शकों को, मैं आऊंगी आपके पास। बीजेपी एंड आरएसएस कंट्रोल फेसबुक एंड व्हाट्सएप इन इंडिया, दे स्प्रेड फेक न्यूज एंड हेट्रेड थ्रू इट। ये सब राहुल गांधी ने लिखा है, जरा ट्वीट दिखा दीजिए, फिर बहस आगे लिए चलेंगे। बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करते हैं भारत में, वो फेक न्यूज फैलाते हैं, वो जो मतदाता है उस पर प्रभाव डालते हैं। आखिरकार अमेरिकन मीडिया ने ये सच रखा है, इस पर रविशंकर प्रसाद ने जवाब भी अपना ट्वीट किया है और लिखा है, उनका ये कहना है कि जो हारने वाले लोग हैं वो, उनको हमेशा परेशानी होती है, हमेशा बीजेपी और आरएसएस का रोना रोने रहते हैं। हमने आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के जरिए कैसे डेटा यानी नंबर्स को वेपनाइज किया जा सकता है, उसको हथियार के तौर पर चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस सब में आप पकड़े गए थे और अब आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये कहा गया है। संबित पात्रा जी,
देखिए राहुल गांधी तो किसी पे विश्वास नहीं करते। दक्षिणपंथी जो राइट विंग है इस लड़ाई में, नहीं नहीं सवाल सुन लीजिए सर, ये जो लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई है, इसमें आपने एक क्लियर डिवाइड तो देश में बना ही दिया है कि या तो आप हमारी तरफ है या फिर आप दुश्मन है। दुश्मन लेकिन बीजेपी के हो सकते हैं, सब देश के नहीं हो सकते हैं जो आप रंगने की कोशिश करते हैं। आपके खिलाफ सवाल खड़े करना देश के खिलाफ सवाल नहीं है जी। चलिए मैं दोनों का उत्तर देता हूं। पहले तो आपने ट्वीट दिखाया राहुल जी का, और दूसरा कि हमने अपने जो समर्थन हमें नहीं करते हैं उन्हें हम देश का दुश्मन करके रंग देते हैं। पहला देखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि हमने तो फेसबुक कंट्रोल कर लिया, हमने ट्विटर कंट्रोल कर लिया, हमने अभी आशुतोष जी कह रहे थे हमने मीडिया कंट्रोल कर लिया, सब हमने कंट्रोल कर लिया। देखिए ये एक्चुअली राहुल गांधी के मुझे लगता है मस्तिष्क पर भी हम कंट्रोल कर लेते तो अच्छा ही होता, कुछ भलाई हो जाता उनका। उनका उनके खुद के मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये वो फेक नेता हैं, ये फेक न्यूज का विषय नहीं है, फेक नेता का विषय है। उनके लिए तो ईवीएम मशीन भी खराब थी, याद करिए लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कपिल सिब्बल गए थे कि ईवीएम मशीन जो है खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है। कौन सी एक संस्था है, वर्ल्ड बैंक ने कहा इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी ने वर्ल्ड बैंक को खरीद लिया है, वहां जाके सेटिंग कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग हो गई है, सब जगह हमने सेटिंग किया हुआ है। दरअसल राहुल गांधी जी की सेटिंग खराब है, राहुल गांधी जी कांग्रेस चला नहीं पा। अभी 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 याद करिए, अब एक हफ्ते पहले कह रहे थे कि हमने डेमोक्रेसी खतरे में डाला है राजस्थान में, निकम्मा नकारा बर्तन परतन सब हुआ, 30 करोड़ हमने दे दिए उनके एमएलए को, 30 करोड़ उनके एमएलए लेके सब डेमोक्रेसी खतरे में हो गया था। अब क्या हो गया जी, निकम्मा नकारा घर वापस आ गया है, कहां गए वो 30 करोड़, कहां डकार के खा गए। अगर 30 करोड़ लिया था तो वापस करना था ना आखिर 30 करोड़ रुपए। तीसरी बात, आपने कहा कि हमने अपने ओपोनेंट्स को एकदम देशद्रोही पेंट कर दिया है। अंजना जी आप बताइए, अगर देश की आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है और डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, पाकिस्तान छटपटाते हुए नजर आता है, और यहां पर राहुल गांधी कहेंगे कि नहीं ये फर्जिकल है, ये सर्जिकल नहीं है, फर्जिकल है और खून की दलाली है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अच्छा अच्छा राहुल जी आपका बोलने की आजादी है, बोलिए। मैं तो नहीं कह सकता ऐसा, मैं तो कहूंगा आप गद्दार हैं, आप देश के आप जयचंद हैं, मैं तो ऐसे ही कहूंगा। मैं कहूंगा जिस विषय पे अटैक पाकिस्तान पे हो रहा है और एयर स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक के बाद भी वही राग अलापना शुरू हो गए, जयचंद वाली राग कि देखो जी कुछ भी एयर स्ट्राइक नहीं हुआ, सबूत लाओ। चाइना के विषय को लेकर रोज दिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहोगे कि इंडिया है सरेंडर्ड, पीएम है सरेंडर्ड, पीएम सरेंडर्ड का मतलब क्या होता है? पीएम कोई अपना घर बंगला या 3-4 गैस सिलेंडर सरेंडर नहीं कर देता है, पीएम सरेंडर का मतलब देश हार गई है। मैं आपसे पूछता हूं, कोई अगर बताएगा कि इंडिया की आर्मी ने घुटने टेक दिया है तो अंजना ओम कश्यप मेरी बहन क्या बोलेगी? वो बोलेगी खबरदार जो मेरे देश के खिलाफ आप कहोगे, तो मैं ये सुनने वाली नहीं हूं, मैं भी नहीं सुनूंगा अगर मेरे आर्मी के खिलाफ आप कहेंगे। आप अगर सुप्रीम कोर्ट को तवायफ बोलेंगे तो मैं तो नहीं सुनने वाला हूं कि चीफ जस्टिस तवायफ है या तवायफ के रेट में बिकते हैं। सरकार के खिलाफ बोलते हैं ना सर, आर्मी के खिलाफ थोड़ी बोलते हैं। सरकार अलग चीज है, सेना अलग चीज है, सरकार अलग चीज है, सेना अलग चीज है, सब आप बताते हैं। मैं बताता हूं, अगर 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 कोई सरकार की उसकी नीतियों पर सवाल खड़े करे तो उसको आर्मी से जोड़ दीजिएगा, देश के संविधान से जोड़ दीजिएगा। मैं उसका उत्तर देता हूं। नहीं मैडम दस सेकंड आप याद करिए, जब आर्मी चीफ ने खड़े होकर कहा कि जो पत्थरबाज है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स ऑफ टेररिस्ट है, तो क्या कहा था कांग्रेस ने? कहा था ये तो सड़क के गुंडे की तरह बात कर रहे हैं। अब वो आर्मी के चीफ तो कोई मंत्री नहीं थे, वो आर्मी के चीफ तो कोई बीजेपी के आर्मी के चीफ नहीं थे। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा बताना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तवायफ बता देना, और मतलब ये किस प्रकार का इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ये किस प्रकार का ये जो बोलने की आजादी इनको चाहिए, जिस आजादी में इन्होंने सब कुछ बता दिया। राम इन्होंने यहां तक बता दिया 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, ये मुनव्वर राणा ने बताया 35 करोड़ जानवर हैं और 35 करोड़ इंसान हैं और 100 करोड़ तो जानवर हैं, और क्या बताना चाहते हैं और क्या? और ये अभी भदौरिया जी को आप दिखा रहे हैं मेरे साथ, ये भदौरिया जी अभी बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की इज्जत के बारे में। अरे भैया भदौरिया जी, आप लोगों ने गेस्ट हाउस काउंट कांड के बारे में सुना है? एक नेत्री के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, नेत्री के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश आप लोगों की पार्टी ने किया, जिसके बदले में एक नारा चला चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी, किस पर आपको पता है? तो आज आप यहां पर ये शुरू हो गए, इनको मैं चुप ही हो जाता हूं, फिर बोलेंगे मार दिया। नहीं मैं चुप हो जाता हूं, चलिए नहीं मैं चुप हो जाता हूं, चलिए आप बोलिए। हां बोलिए बोलिए, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है,
बोलिए बोलिए भैया, टोपी खोल ही दीजिए आज मेरे ऊपर तो पूरा पूरा। कहाँ है दोस्तों बुलेट ट्रेन? ये टोटी वाले बुलेट ट्रेन में बैठेंगे? ठीक है अनुराग जी, जवाब खोल लेंगे बुलेट ट्रेन की। अनुराग जी आराम से, एक बार सबकी आवाज ऊंची कीजिए। मैं अपने तमाम मेहमानों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि देखिए पूरा देश आपको सुनता है, हम लोग प्राइम टाइम डिबेट करते हैं, पूरा देश ये समझना चाहता है कि नेता क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक साथ चीखने से और इस तरह की उत्तेजना दिखाना अच्छी बात नहीं है। बारी बारी से प्लीज बोलिए, बोलिए अनुराग जी। अनुराग जी जवाब दीजिए। अंजना जी मैं बोल लूं? अनुराग जी बोलिए जी। मैं पूछना चाहता हूँ, पात्रा जी तब से आपने देखा गोल गोल घुमा रहे, एक बार 7 साल से पात्रा जी बोल रहे हैं, जो राहुल जी की पुरानी बातें हैं गोल गोल कांग्रेस बीजेपी करते रहते। मैं कहता हूँ जनता की बात कर लो, 130 करोड़ की पॉपुलेशन की देश है, आप बताइए महंगाई का हाल क्या, जरा बता दीजिए, उसके बारे में बात कीजिए ना। आप बुलेट ट्रेन ला रहे थे उसके बारे में बताइए, बुलेट ट्रेन कहाँ है, हम भी चले बैठे चल के। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी 7 साल पहले, कहाँ है अब तक? तो कम से कम 20 करोड़ रोजगार हो जाना चाहिए, कहीं उससे ज्यादा, तो कई गुने लोग बेरोजगार हो चुके। आप बताइए कि आपने महिला सुरक्षा की बात की थी, कहाँ है महिला सुरक्षा? लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, दलित महिलाओं की हत्या हो रही है, बच्चियों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, कहाँ है आपका रोमियो स्कर्ट आपकी सरकार बनाए घूम रही थी? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, आप बताइए। आपने बार बार इतने सारे जो डायलॉग हमेशा दिए थे कि हम आएंगे तो देश को मेक इन इंडिया बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, लोकल फॉर वोकल होगा, डिजिटल इंडिया होगा, स्किल इंडिया होगा, एक ही बात कब तक बोलेंगे? और आप बता दीजिए, मैं आपसे सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बताइए कि किसान और बेरोजगार ये दिया तो है आपको हरे रंग के हैंडलूम वाला कुर्ता, आप इस पे चर्चा कीजिए, क्योंकि ये देश की असली समस्या है। आप हमेशा लंबी लंबी बातें करते हैं, दुनिया की बातें खोल के आप मुद्दे की बात को भटका देते हैं। असली मुद्दा देश का क्या है? देश आपकी तरफ क्यों देख रहा है? देश चाहता है कि आप बताइए देश क्या स्वस्थ है, क्या जीडीपी की हालत क्या है आज की डेट में? ठीक है ठीक है ठीक है आशु, क्या है? ठीक है एक बार आशुतोष जी और संबित पात्रा जी भी आपस में थोड़ी बात कर ले। आशुतोष जी, ये सवाल और ये आरोप आपका हमेशा लगा है कि सरकार जो है वो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से तमाम संस्थाओं पर दबाव डालती है, उनको अपने नियंत्रण में रखती है, तो आप संबित जी से भी सवाल जवाब इस पर कर सकते हैं अगर आपको ऐसा वाकई लगता है तो। आशुतोष जी, नहीं हमारी तो कोई हैसियत है नहीं वैसे भी, और संबित जी तो बहुत बड़े नेता है, अभी मैंने देखा संबित जी 5 मिनट तक नॉन स्टॉप बोल रहे थे और उनको किसी ने टोका भी नहीं, उनको किसी ने रोका भी नहीं। अब ये डर है या क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब मैंने बोलने की कोशिश की तो आपने इमीडिएटली मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दिया और आपने व्यक्तिगत टिप्पणियां की, निजी। मैं भी बहुत निजी टिप्पणियां कर सकता हूं, मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी होती, लेकिन मैं उस गरिमा को नहीं लाना चाहता। क्योंकि आपने भी व्यक्तिगत टिप्पणी की थी सर, आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, आप भी नहीं, आप मेरे प्रोफेशन पर, आप तमाम मीडिया हाउसेस पर जब आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको जवाब मिलेगा, ये मत सोचिए कि जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, मुद्दे पर आइए ना, सरकार से सवाल पूछिए ना सर। अरे छोड़िए ना, आप लोग सरकार सवाल पूछने में आप लोग डरते हैं बुरी तरीके से, और आप मेरा मैं बार बार कह रहा हूँ, पूछिए खूब पूछते हैं, देखिए मैं बोल सकता हूँ, ये अब आपका रंग दिखा है, चलिए अब सवाल कीजिए। आज की तारीख में आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ सके आप लोग। आप लोग सिर्फ विपक्ष के लोगों से सवाल पूछते हैं, सिर्फ उनको बोलने नहीं देते, एक बार तो कम से कम जिस दिन किसी को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाएगी वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। सवाल कीजिए, टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे आइए, आप लोग टॉपिक पे आइए, बंद कर दीजिए ये जो टीवी एंकर। आपसे एक सवाल पूछ दिया गया तो सब व्यक्तिगत हो गया, बंद करिए, बंद करिए। आपसे एक सवाल पूछ दिया गया तो सब व्यक्तिगत हो गया, आपसे एक सवाल पूछ दिया गया तो व्यक्तिगत हो गया, उसका एक जवाब नहीं था बिल्कुल। आपने तमाम मीडिया हाउसेस और सभी एंकर्स का निकाल दिया जाएगा, आपने इसका देखिए आप लोगों की आ गए, आप यही आप कहना चाह रहे थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बता दो आशुतोष गुप्ता जी, आशुतोष गुप्ता जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हर बड़े इवेंट पर हम आपको बुलाते हैं, एक सेकंड, हर बड़े इवेंट पर हम ये मानते हैं कि सरकार के खिलाफ आलोचना की आवाज भी जरूरी है, इसीलिए हम आपको बुलाते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? हम ये मानते हैं कि सरकार की आलोचना भी जरूरी है, इसीलिए आपको बुलाया जाता है कि आप आइए, और आप हर बड़े इवेंट पर आज तक पर रहते हैं और फिर आज तक पर ही बैठकर आप कहते हैं कि आप लोगों को हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की, तो आपसे क्यों ना वापस सवाल पूछा जाए। हर हर बड़े इवेंट पर आपको बुलाया जाता है क्योंकि सरकार की आलोचना और हर तरह की आवाज को सामने रखने में आज तक विश्वास रखता है। ऐसी आलोचना की आवाज आपको कहीं और मिले या नहीं मिले, हम आपको शामिल करते हैं डिबेट में, लेकिन आपने वो इस बात की मर्यादा नहीं रखी।
आपने कहा आप जैसे लोग सवाल नहीं पूछते हैं, आप जैसे मीडिया हाउसेस, सारे मीडिया हाउसेस, सारे एंकर्स बिके हुए, ये नहीं चलेगा। तब आपसे भी सवाल पूछा जाएगा और जब एक सवाल पूछा गया तो आप उस पर निरुत्तर हो गए, उस सवाल के प्रश्न जवाब की तरफ आप बढ़े तक नहीं कि आपको देखिए व्यक्ति की पहचान और परीक्षा तब होती है जब उसके पास पावर होता है। और कहते हैं कि अगर आपको किसी व्यक्ति के कैरेक्टर का इम्तिहान लेना है तो उसको पावर देकर देखिए। जब आप पावर में थे तो आपने क्या किया, यह सवाल क्यों ना पूछा जाए। कांग्रेस को चाहिए आजादी। सोनिया गांधी ने देशवासियों के नाम खत में कहा है कि आज देश में बोलने, अपनी बात रखने और सवाल पूछने की आजादी नहीं है। क्या वाकई ऐसी आजादी छिन गई है देश में? इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा। देखते रहिए आज तक।